बुडवलाय. आता मात्र नशिबाची साथ विचुंबे बी संघाला मिळत असताना बॉलला पडल्यानंतर बाउन्स घेतला आणि दोन रन्स इथे मात्र कंप्लीट होतील. यावेळेस हा फटका लेग साईडला जात असताना त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येत आहेत. दूरवरून एक रन्स कंप्लीट झाले दुसरीचा प्रयत्न आणि दोन रन्स होतील कंप्लीट. धावसंख्या धापलकावरती जाऊन पोहोचेल चार. या धावसंख्येवरती चार धावा इथे धापलकावरती लागत असताना गोलंदाजीसाठी गोलंदाज रोहित सुरते नामक हा गोलंदाज प्रज्ञेश मोकल बॅटिंग करतोय मैदानात. प्रज्ञेशसाठी हा बॉल उचली घेतली नव्हती. बॅट्समन चकलाय, यष्टरक्षक सुद्धा चकलाय. लॉंग स्टॉप रिझन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा चौकार. आजच्या मदतीनं खूप चांगलं. आता मित्र म्हणेन बाईच्या स्वरूपात नशिबाची साथ होती या बॉलवरती. इथे मिस टाइम स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक जज करतायत त्या ठिकाणी करण सुरते आणि करण. इथे मात्र 420 होल्डचा झटका विचुंबे बी संघालाच दिलाय. एक रन शॉर्ट आहे. द्वारकानाथजी चोरगे सर सांगतायत की हे एकच रन्स असेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे एकेरीना 9 वरती. 29वा झेल या स्पर्धेमध्ये ड्रॉप होत असताना निसटत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस फटका लेग साईडला चाललाय. कॅप आहे आणि वन बाउन्स चौकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचली या 4-13 या धावसंख्येवरती. तेरा रन्स होत असताना महागडी गोलंदाजी केली जाते इथे रोहित सुरतेच्या माध्यमातून. इथे हा बॉल काय घडतंय मैदानामध्ये. तू तू मामा एकाच एंडला दोन बॅट्समन. आता मात्र विनाशकारी विपरीत बुद्धी. अंपायर सिग्नल येतोय की हा व्हाईट बॉल आहे. इथे व्हाईट रन्स येत असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 14 या धावसंख्येवरती. यावेळेस बॉल टेकअप झाल्यानंतर उचली घेतली. बॅट्समन प्रज्ञेश मोकलला संभ्रमात टाकणारा हा बॉल. इथे निर्धाव चेंडूची केली जाते सांगताना धावसंख्या 14 वरती स्थिरावले एका षटकाच्या समाप्तीनंतर. डीजे षटकाचा खेळ संपेल. 3 ओव्हरची मॅच आहे. शॉर्ट टर्म क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट टर्म क्रिकेट मध्ये आपल्याला कमी ओव्हरच्या मॅच मध्ये कमी बॉल पाहायला मिळत असतात आणि त्या मॅच जिंकण्यासाठी जर गोलंदाजी तुम्ही करत असाल तर तुम्हाला निर्धाव चेंडू जास्तीत जास्त टाकायचे असतात आणि फलंदाजी तुम्ही करत असाल तर तुम्हाला मोठे फटके जास्त मारायचे असतात. यावेळेस स्वप्नीलचा हा फटका. एक रन्स मिळेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल
मॅचला स्पीड अप करायचे ते आयोजकांच्या माध्यमातून आम्हाला सूचना येत आहेत. यावेळेसचा बॉल अंपायर सिग्नल येतोय जीवन गावंड सरांचा की हा वाईट बॉल आहे. डाव संख्या जाऊन पोहोचेल या एक्स्ट्राच्या मदतीनं 16 वरती. इथे एक्स्ट्रा चेंडू डोकेदुखी ठरतील कारण ज्यावेळेस तुम्ही गोलंदाजी पहिल्या सत्रामध्ये करत असताना एक्स्ट्रा बॉल तुम्ही जर रिलीज केलेत ना तर तुम्हाला उत्तरार्धामध्ये धावांचा पाठला करत असताना या धावा त्रासदायक ठरत असतात. यावेळेसचा बॉल स्लॉट मध्ये त्याला पाठवले पार्किंग प्लॉट मध्ये येतोय षटकार. यावेळेचा बॉल खूप उंच 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 तितकाच लांब 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 षटकार. अवसंख्या या 6 ना जाऊन पोहोचेल 28 वरती. इथे अंपायर सिग्नल पेंडिंग आहे डिसिजन आणि अंपायर सिग्नल नो बॉल आहे. तिथे दुसरीचा प्रयत्न धावाची संधी होती की नाही आणि इथे मात्र 2 रन्स नो प्लस 2 इथे घडतंय काय मैदानामध्ये. विचुंबे बी संघाच्या वाट्याला इथे मात्र एक्स्ट्रा रन्स येत असताना रन्स मिळतील 3 धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 31 वरती. या षटकातील बॉल झाले आतापर्यंत 3 आणि येणारा बॉल असेल फ्री हिट. चला तिसऱ्या पंचांची मागणी रेफर केलं तिसऱ्या अंपायर्सला. तर नक्कीच इथे अंपायर सिग्नल नो बॉल आहे म्हणजे यानंतरचा बॉल असेल फ्री हिट. 31 झाल्यात फ्री हिटचा बॉल उघडा डोले पहा नेट पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. यावेळेसचा बॉल अप्रतिम नेत्र दीपक अविश्वसनीय सिक्सर. आणखीन एक बिग 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 षटकार. त्रेचाळीस वरती इथे प्रज्ञेश मोकलेच्यासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज देत आहे. अक्षय घर त्यांच्याकडून 500चा कॅश प्राइज देत असताना
प्रज्ञेश मोकल इज ऑन फायर सिक्सर. चला तीसरे पंच. इथे नो बॉल आहे. संदेश खरं त्यांच्याकडून 500 यानंतरचा चेंडू सुद्धा प्रीट असेल. या स्पर्धेतील सर्वात मोठा आणि महागडा षटक, सर्वात जास्त धावा देणारा षटक आपण पाहतोय. या ओव्हर मध्ये धावा आल्या तब्बल 36. लगातार 3 सिक्स या बॅट्समॅन, पहिला बॅट्समॅन ठरतोय लगातार 3 सिक्स मारणारा, दुसरा बॅट्समॅन या रजनी क्रिकेटच्या स्पर्धेमधील. प्रीटचा बॉल, इथे शैलेशचा बॉल होता, मागे चाललाय, फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक नाही, एका टप्प्याने चौकार. शिवनेरी किल्ला पावन. बघा इथे नवापाडा संघ आपण सेलिब्रेशन करा. आयोजक आम्हाला सूचना देत आहेत की आपले 11 खेळाडू केवळ तर खेळाडू कक्षामध्ये असतील, त्याच्या व्यतिरिक्त खेळाडू कक्षामध्ये कोणी बसणार नाही, याची दक्षता घ्या. व्यत्यय यायला नको. आनंद जल्लोष साजरा करा. अडचण कोणालाच नाहीये, कारण क्रिकेट भावनिक खेळ आहे. कधी आनंद, कधी दुःख, कधी यश, कधी अपयश. इथे बघा स्वप्नील मात्रेची चलाकी, चातुर्य पण दाखवतोय स्वप्नील मात्रे. ही स्वप्नील मात्रेच इथे मित्र म्हणजे कौतुक करेन, कारण त्यानं अगदी एकेरीनं सिंगल काढून आपल्या हॅलो साथीदाराला स्ट्राईक दिले आणि इथे रन्स मिळेल. एक धावसंख्या जाऊन पोहोचेल या एकेरीनं. वाईट बॉल आहे. तेरा बॉल मध्ये 45 वरती वैयक्तिक बॅटिंग करत असताना प्रज्ञेश मोकल आपण पाहतोय. अर्धशतक कम्प्लीट होणार का? अर्धशतक कम्प्लीट होण्यासाठी इथे मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, पण तू निर्धाव चेंडूची सांगता होते. मयूरजी पाटील आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवत आहेत, गुणसंख्या लेखक सिद्धेश भोईर. दोन बॉल झाले, चार चेंडू अजूनही शिल्लक असतील या पूर्वार्धातील. कोणतं रहस्य दडलं असेल या चार बॉल वरती? लोवर फुलटॉस, इथे मात्र शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे चषक मोठे भिंगार या रजनी क्रिकेटच्या स्पर्धेतील पहिला खेळाडू ठरतोय अर्धशतक कम्प्लीट करणारा, आणि त्या खेळाडूचं नाव आहे प्रज्ञेश मोकल आणि त्याच्या गावाचं नाव आहे नवापाडा उरण. एकदा बॅट वरती करायचे, बॅट उंच करायचे प्रज्ञेश. ही सलामी मात्र आमच्या आयोजकांना, ही सलामी मात्र आमच्या संयोजकांना दिली जाते. इथे हा बॉल रन्स, इथे मात्र निर्धाव चेंडू आहे. बॉलला पडल्यानंतर अतिरिक्त उचली घेतली होती. इथे सरांचा इशारा येतोय अंपायरचा की हा वाईट बॉल आहे, धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 63 वरती. साची सुजित घरत अर्धशतक लगावल्याबद्दल प्रज्ञेशला 500 रुपयाचा कॅश पे झालाय.
इथे हा बॉल आता बॅट्समन प्रज्ञेशला बीट केलं पूर्णपणे. या इनिंग मध्ये आपण जर पाहिलं ना मयूर, तर अंपायर सिग्नल येतोय की हा नो बॉल आहे, फ्रीचा बॉल असेल. अतिरिक्त धावा सुद्धा खूप खर्च केल्या मित्र म्हणजे विचुंबे संघानं, आणि त्याच्यानंतर त्यांचा जो संयम होता ना या मॅच मध्ये बिघडत असताना पाहायला मिळाला. इथे उंच आणि दूर लांबवरचा षटकार. इथे हा बॉल खूप चांगल्या आता दिशेवरती नियंत्रण ठेवलं होतं. या चेंडूची सांगता हवी होती विचुंबे संघाला. अगदी बॉल आहेत या षटकातील पाच झालेत, एक चेंडू बाकी आहे. वैयक्तिक आतापर्यंत 94 धावा, 2 मॅच मध्ये बॅटिंग केल्या अजूनपर्यंत बॅट्समन. इथे मात्र विचार जर घेतला ना तर 94 धावांवरती खेळतोय. दुसऱ्या मॅचचा हा शेवटचा बॉल असेल या इनिंग मधला. इथे मात्र बॅटची कट आणि तिथे एक रन्स कंप्लीट केली जाते. दुसरीचा प्रयत्न जरूर केला जाईल आणि बॅट्समन प्रज्ञेश मोकल धावबाद. अगदी थंडमय वातावरणामध्ये त्यानं मोठे भिंगाची रजनी क्रिकेटची स्पर्धा आता मात्र आज गाजवली अक्षरशः, आणि त्याला कॅश प्राइज येत आहे. इथे जय हनुमान क्रिकेट संघ नवापाडा यांच्याकडून 2000 कॅश प्राइज प्रज्ञेश मोकल या खेळाडूला येत असताना. 72 धावा धापलकावरती लागतील, 73 धावसंख्येचं लक्ष असेल. विचुंबे बी संघ या धावा पूर्ण सुद्धा करू शकतो, त्यांच्याकडे सुद्धा ती धमक आहे. कारण अगदी विचुंबे बी संघानं सुद्धा अनेकदा कित्येक स्पर्धांमध्ये भले मले मोठ्या मोठ्या डोंगरा एवढ्या दिसणाऱ्या धावसंख्येचा पाठलाग केलाय, आणि ते पाठलाग करण्यासाठी उतरतील. आणि धावा इथे चेस केला जाणार की धावा इथे रोखला जाणार हे ऐकवण्यासाठी आवाजामध्ये असे आता बदल. आवाज असेल आमचे परम मित्र मयूरजी पाटील मोठे भिंगार यांचा. थैंक यू सो मच सूरज पाटिल. तो यहाँ से जय हनुमान नौपाड़ा टीम इनके माध्यम से जो खिलाड़ी ने 50 लगाई उसने उसके लिए 2000 रुपए का कैश प्राइज आया है. चलो नेक्स्ट मुकाबला बारापाड़ा बनाम उमरोली. दोनों कप्तानों को यहाँ से पहला पुकार दिया जाता है कि टॉस के लिए आना है आपको. चलो बारापाड़ा टीम का कप्तान और उमरोल टीम का कप्तान टॉस के लिए आना है आपको. यहाँ से बड़ा पहाड़ बड़ा टारगेट सा सामने किया है तो हमारे पप्पू शेट शेंद्रे करदेश्वर बियर शॉप के ओनर, उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि आइए आप मंच के ऊपर. आपका भी इस श्रृंखला के माध्यम से हम तदिल से स्वागत करना चाहेंगे. और देवेश जी पाटिल इनको भी गुजारिश करता हूँ कि आइए आप मंच के ऊपर. आपका भी श्रृंखला के माध्यम से हम तदिल से स्वागत करना चाहेंगे. चलो बारापाड़ा टीम का कप्तान और उमरोल टीम का कप्तान, टाइम पास नहीं करना है आपको, जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है आपको. और अभी तक का देखा जाए ना तो सबसे बड़ा टारगेट 71 रन बनाए और 72 रनों की जरूरत है. यहां से शुरुआत तो से ही चौके छक्के लगाने पड़ेंगे क्योंकि बड़ा पहाड़ है, इस पहाड़ को फैलना है ना तो अच्छी बल्लेबाजी, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे. टीप और टैट ईट का जवाब यहां से पत्थर से देना पड़ेगा.
गेंदबाजी के लिए गेंदबाज प्रज्ञेश मोकल, जिसने पहली 50 लगाई है, वही खिलाड़ी गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। पहली गेंद लेके तैयार, ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा, दैट इज अ वाइड गेंद का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रनों में यहां से बढ़ोतरी होती नजर आएगी। एक रन लगती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर, 18 गेंदे जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत है, 71 रनों की जरूरत है। पहली गेंद डाली थी गेंदबाज प्रज्ञेश मोकल ने, खराब गेंद डाली थी, खराब शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ऑन स्ट्राइक गेंद पर आशिकेश उठा के खेलना चाहते थे, ये गेंद जरूर क्या छोटा, ये भी खिलाड़ी धाकड़ खिलाड़ी माने जाते हैं। इस खिलाड़ी की भी हमने काफी मर्तबा देख बल्लेबाजी देखी है, अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, चौके छक्के के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दमखम दिखाना पड़ेगा, शुरुआत से ही गेंदबाजों के ऊपर हल्ला बोलना पड़ेगा, एक्सीलेटर पे ताव देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाली 17 गेंदे जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत है। चलो टाइम पास नहीं करना है, पहली एक गेंद का खेल समाप्त हो चुका है, उठा के खेला इस गेंद को, हाफ हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, लेकिन वहां पे गलती गलती और गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या छूटा है वहां पे आशिकेश भोईर का, अभी ऑन स्ट्राइक गेंद पर आशीष भोईर, दो भाइयों की जोड़ी आपको मैदान के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो टॉस करने के लिए भिंगार गांव के आदरणीय व्यक्तिमत्व संजय पाटिल, इनके हस्ते टॉस किया जा रहा है। अगला मुकाबला आपको देखने के लिए मिलेगा, एक तरफ आपको टीम देखने के लिए मिलेगी उंगरोली टीम, और उनके साथ दो हाथ करने वाली टीम देखने के लिए मिलेगी आपको बारापाड़ा टीम। टॉस किया जा रहा है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, इसके बाद आपको सेमीफाइनल का मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। डायनाथ के खिलाड़ी आपको ऑन स्ट्राइक पर नजर आएंगे, गेंदे समाप्त हो चुकी है, यहां से दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, दो रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखो घुटना टेको, तमाशा देखो, ऐसा स्ट्रोक जरूर लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, ये लेग 22 के स्वरूप में सिंगल आता हुआ, और सिंगल डबल के साथ यहाँ से बात की जाए ना तो सहारा नौपाड़ा टीम को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से नितिन इंटरप्राइजेस विश्व टीम के खिलाड़ियों को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, दुनिया झुकती है दोस्तों, झुकाने वाला चाहिए, रन बनते हैं दोस्तों, रन बनाने वाला चाहिए। ये देखो काफी उर्पिस गेंद देखी थी, हाइट ज्यादा देखी थी इस गेंद के ऊपर, और अंपायर का इस थोड़ी ज्यादा हाइट की वजह से बीमर गेंद का इशारा आता हुआ। अगली गेंद अब फ्री हिट रहेगी, पूरीपुर मौका रहेगा खिलाड़ी आशिकेश भोईर के पास, मौका मिलेगा तो बताएंगे, सिर्फ रनआउट से बचना होगा खिलाड़ी को। अभी तक बात की जाए ना प्रज्ञेश मोकल की, तो प्रज्ञेश मोकल ने तीन गेंदे अच्छी डाली है और दो गेंदे खराब डाली है, कुल टोटल की बात की जाए ना चार रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। उठा के खेला इस गेंद को, गेंद के नीचे खिलाड़ी आएंगे, दूसरी का कोई प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है, बड़े स्ट्रोक लगाने का जरूर प्रयास करे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क नहीं जुड़ रहा है। सिंगल मिलेगा, सिंगल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, सिंगल के साथ पांच रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। गेंदे समाप्त हो चुकी है दोस्तों चार, अभी भी इस ओवर की दो गेंदों का खेल बाकी है। गेंदबाजी के लिए प्रज्ञेश तैयार होंगे, बल्ला जरूर घुमाता, बल्ला जरूर घुमाता, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद की हुई समाप्ति, चकमा देने वाली गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं होता, सीधी गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तान में, पांच गेंदों का खेल यहां से समाप्त हो चुका है, अभी आने वाली 13 गेंद है और बहुत रन चाहिए। दुधारी तलवार का इस्तेमाल, अगर सीधे उंगली से गिना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, ये की उंगली टेढ़ी, और ये आता हुआ आखिरी गेंद के ऊपर दमदार चौका ठोक दीजिए।
थैंक यू सो मच डीजे। तो यहाँ से एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। यहाँ से कुल टोटल की बात की जाए तो 9 रन। स्वप्निल मात्रे नए गेंदबाज गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए नजर आएंगे। आने वाली यहाँ से गेंदे बचेंगी। घुटना टेको, तमाशा देखो, घुटना टेको और सिक्सर देख गेंद जाएगी 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 सीमा रेशे के बाहर। यह आता हुआ दन 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 करने वाला दमदार छक्का। खोल दिया बल्लेबाजी ने, इसी तरह बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन पलटवार देखने के लिए मिलेगा गेंदबाज के माध्यम से। अभी आने वाली यहां से बात की जाए तो 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। दो गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदों का खेल बाकी है। बड़ा पहाड़ सामने है, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। उठा के खेला इस गेंद को, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, ये भी जाएगी ये भी जाएगी, जैसी आई वैसी गई। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से। यह आता हुआ दन 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 करने वाला एक दमदार छक्का ठोक दीजिए। समाप्त हो चुका है। कुल टोटल की बात की जाए ना 21 रन 21 रन लॉस ऑफ 0 विकेट। अभी आने वाली यहां से 9 गेंदे जीतने के लिए 51 रन की जरूरत होगी। हर गेंद के ऊपर छक्का चौका लगाना पड़ेगा, हर गेंद के ऊपर छक्का लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 9 गेंदे और जीतने के लिए 51 रन की जरूरत है। अभी तक देखा जाए तो 2 छक्के लगा चुके बल्लेबाज आशिकेश भोईर। उठा के खेला इस गेंद को, गेंद हवा में, गेंद जाएगी स्वीपर के ऊपर से आता हुआ ये दन 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 करने वाला एक और दमदार छक्का डीजे। जिन्हें छत तक जाना है वो सीढ़िया मुबारक हो, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात होगी। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात हो गई। और यहाँ से कोशिश कर रहे बल्लेबाज आशिकेश भोईर अपने टीम के लिए, पूरी जी जान से मेहनत करते हुए नजर आएंगे खिलाड़ी। और 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। अच्छी गेंद डाली थी, हाफ हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखने के लिए मिला इस गेंद के ऊपर। आनंद कार्पेट सारे इस गेंद को खेला और गेंद के नीचे खिलाड़ी आएंगे, उठाएंगे, फेंकेंगे। तब तक समय था खिलाड़ी के पास एक चिक्की सिंगल पूरा करने का। और यहां से चिक्की सिंगल ये 2 खिलाड़ी पूरा करते हुए नजर आएंगे। 28 रन 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आएंगे। इस गेंदबाज स्वप्निल मात्रे की बात की जाए तो 5 गेंद डाली इस गेंदबाज ने और 19 रन खर्च किया। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद का खेल बाकी है। और यहाँ से आशीष भोईर की बात की जाए ना तो 4 गेंदे खेली है और 5 रनों का योगदान दिया है। चलो टाइम पास नहीं करना यहाँ से, सारा नौपड़ा टीम यहाँ से आपको गुजारिश की जाती है टाइम पास नहीं करना, टाइम अलर्ट रहेगा। और अंपायर के वो भी गुजारिश करता हूँ कि टाइम ज्यादा नहीं लेने देना है। तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होंगे, फिर एक बार इस ओवर की आखिरी गेंद लेके उठा के खेलना चाहते थे। बल्ला जरूर घुमा रहे बल्लेबाज आशीष भोईर, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं जुड़ रहा है। और यहां से 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त। और कुल टोटल की बात की जाए तो 28 रन डीजे। तो नए गेंदबाज गेंदबाजी में आपको परिवर्तन नजर आएगा। 6 गेंदों का खेल यहां से बचेगा। अमर गरत गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे।
ये गेंद थोड़ी सी बाहर जाती है, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ। जैसे शुरुआत की थी गेंदबाजी करते हुए प्रज्ञेश, वैसे ही शुरुआत करते हुए नजर आएंगे वाइड के साथ ये गेंदबाज अमर घरत। उठा के खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, निश्चित तौर से पहला विकेट यहां से मैदान से बाहर जाता हुआ। आशिकेश भोईर बैक टू पवेलियन, इनाट नंबर मिडल ऑर्डर के सबसे घातक खिलाड़ी, पहला मुकाबले में देखा था इसी खिलाड़ी ने मुकाबला जीत के दिया था अपने टीम के लिए, 17 रनों की जरूरत थी, 2 छक्के लगाए थे, वही खिलाड़ी आपको मैदान के अंदर ऑन स्ट्राइक पर नजर आएंगे शैलेश भोईरा। तो पहली एक गेंद का खेल समाप्त हो चुका है, अच्छी गेंद डाली थी, इस गेंद को खेला मिड ऑफ में, गेंद टेबल होती हुई लॉन्ग ऑफ में, गेंद के नीचे खिलाड़ी आएंगे उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक एक चिकी सिंगल ये दो खिलाड़ी पूरा करते हुए नजर आएंगे। 4 गेंदों का खेल बचेगा, औपचारिकता बाकी है इस मुकाबले में, एक तरफा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है, मुकाबले में मजा नहीं है दोस्तों, मुकाबले में जान नहीं बची है, 4 गेंदे जीतने के लिए यहाँ से बात की जाए तो 42 रनों की जरूरत होगी। उठा के खेलना चाहते थे बल्लेबाज आशीष भोईर, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, दूसरी का कोई प्रयास नहीं करेंगे, और यहाँ से 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, अभी इस इनिंग की 3 गेंदों का खेल बचेगा। तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, ये देखो अच्छी गेंद डाली थी, और यहाँ से बल्ले का बाहरी किनारा, एक और विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ, दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ, 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग का देखा जाए तो। एक तरफा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बड़ा पहाड़ 71 रन बनाए थे, सबसे हाई स्कोर 3 रातों की बात की जाए तो सबसे अभी तक का हाई स्कोर होगा जो बनाया है सहारा नौपर टीम के खिलाड़ियों ने बनाया था, नौपर टीम ने बनाया था 71 रन बनाए थे और 72 रनों का बड़ा टारगेट सामने रखा था। 2 गेंदों का खेल बचेगा, बल्ला जरूर घुमाता लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद की हुई समाप्ति, आखिरी 1 गेंद का खेल बचेगा। और इसी के साथ मुकाबला जीता दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सहारा नौपाड़ा टीम है ना, हार्ड लक में तो कहना चाहूंगा नीतिन इंटरप्राइजेस विसुंबे टीम। चलो नेक्स्ट मुकाबला, जिस टीम ने टॉस जीता है जो भी डिसीजन है उसके ऊपर आपको अमल करना है, बड़ा मुकाबला आपके सामने है, एक तरफ आपको टीम देखने के लिए मिलेगी, दूसरी दौर का आखिरी मुकाबला देखने के लिए मिलेगा आपको।